Yes, doctor. Mrs. Vaidy. Excuse me. Mrs. S.M. Vaidy. वो तो मैं हूँ. अजीब इत्तेफाक है. कहीं हमारे पति रिश्तेदार तो नहीं है? हो सकता है. वैसे आपके पति का नाम क्या है? मधुकर वैद्य. अरे मधुकर तो मेरे पति का भी नाम है. अच्छा, आपके पति काम क्या करते हैं? वो मछलियों का बिजनेस करते हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स. अरे मेरे पति का भी यही बिजनेस है. प्लीज मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ. ये देखिए मेरे पति का विजिटिंग कार्ड, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनका फिशिंग का बिजनेस है, वर्सोवा मुंबई. ये देखो, ये मेरे पति का कार्ड है. ओह, धोखेबाज. मधुकर वैद्य नाम है मेरा, मधुकर वैद्य. ए दगड़ो, ये सब लफड़े वाला काम इधर नहीं लेके आने का, समझा? मेरे को मालूम है तेरे को कौन सा काम के वास्ते मेरा बोट मांगता है. जब मालूम ही है वैद्य से तो डायरेक्ट बात कर लेना था ना, करोड़ों का पाउडर है. चलो एक ट्रिप का 50 लाख रुपए दूंगा. 50 लाख? साला मधुकर वैद्य को पैसे का रुबाब दिखाता है तू? हाँ, पैसे का रुबाब दिखाता है. अपने को इस सब लफड़े में नहीं पड़ने का है, क्योंकि अपने को अंदर नहीं जाने का है, अंदर, समझा? चले अभी कमते हो ले तू, चल कमते हो. हेलो, अरे क्या है रे श्रेया? मधुकर कहाँ हो तुम? आज क्लिनिक में मुझे एक औरत मिली और वो क्या? तो मैं क्या करूं, मैं तेरे को बोला था ना मेरे को काम के टाइम पे फोन नहीं करने का, मैं बहुत बिजी है अभी. चल बोला ना, रख अभी फोन. काम गया बाहर में, मुझे तुमसे अभी मिलना है. तो बैठी रहे, मैं आज घर पे नहीं आने वाला है, समझा? मेरे को 4 बजे मांडवा निकलने का है अभी, और मैं अभी आज रात को बोट पर रहने वाला है. अरे बाबा कोई नहीं है मेरे साथ, कोई औरत नहीं है, तेरे को विश्वास नहीं है ना, तो आके देखने का इधर. चल अभी फोन रख. गया नहीं इधर से, पुलिस को बुलाओ, तेरे को अंदर डालेगा अभी. पुलिस को मेरे बारे में बताने से पहले तू अपने बारे में सोच ले, समझा क्या? मधु भाई एक बात बोलूं, आप श्रेया से इतना बुरी तरह से बात क्यों करता है? वो बीवी है आपका. श्रीकांत तू मेरे नौकरी करता है, मैनेजर का. अभी तू मेरे को सिखाएगा मेरे को मेरा बीवी से कैसा बात करने का, कैसा नहीं? हाँ, तू खाली इतना ध्यान रखने का, श्रेया मेरा बीवी है और तू उसका इतना बड़ा हमदर्द बनता है. अभी इधर खड़ा क्या है? अपने को सुबह 4 बजे मांडवा जाने का है. जनरेटर खराब है, रात को बोर्ड का अंधेरा होगा. अरे वो सब मैं ठीक कर देगा, तू अभी जा मार्केट जाके मोमबत्ती लेके आने का. शाम को 6 बजे केबिन में अंधेरा हो जाएगा, जा अभी निकल, फटाफट निकल. साला सब मधुकर वैद्य को एड़ा समझता है रे. मधुकर 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 मधु मधु मधु
कौन हो तुम? और ये? ये मेरे पति हैं, इन्हें किसी ने मार दिया। किसने मार दिया? बिना कोई होशियारी के कर्म मुझे दो। कहानी में फिर ट्विस्ट आता है। केडी, जब पहली बीवी को पता चलता है कि दूसरी बीवी का जो पहला पति असल में वो पहला नहीं बल्कि दूसरा पति है, समझ, जो अपनी दूसरी बीवी के पहले पति की तीसरी बीवी का भाई, समझ गया, जब ये तीनों भाई और बीवा मिलते हैं, मैं समझ गया तेरी कहानी, तेरी कहानी सुपर हिट है एकदम। नहीं तू समझ गया ना? जिलमिल देख, समझदार को इशारा काफी होता है, समझ गया। एडवोकेट पाठक आगे। अरे यार, आई आई सम्राट दत्ता जी, कहिए। मैंने आपको फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, आइए बैठिए बैठिए। कहिए, आपके किसी फ्रेंड का केस था? जी, मेरी बहुत ही क्लोज कॉलेज फ्रेंड है, श्रेया वैद्य। अच्छा, ये भी मेरे बहुत क्लोज कॉलेज फ्रेंड है, मिस्टर जिलमिल। फिल्म बना रहे हैं आजकल। जी, उन्हें अपने पति मधुकर वैद्य के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया, और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बचाएं। अब एक मिनट, क्यों आपको लगता है कि श्रेया बेगुनाह है? मिस्टर केडी पाठक, मैं आपके पास एक केस लेकर आया हूँ। मेरी बॉस की बीवी श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी श्रेया का केस लेकर आया हूँ। आप जिलमिल समझ गया ना, दोनों आप दोनों एक ही केस लेकर आए। जी सही कहा आपने, एक ही केस लेकर आए हैं। पर आप इस आदमी का केस मत दीजिए। देखो श्रीकांत, तुम उसे 4 सालों से जानते हो, लेकिन मैं उसे 14 सालों से जानता हूँ, समझे? हाँ, लेकिन उन 4 सालों में ही मैंने एक मिनट, होल्ड ऑन, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप दोनों अलग अलग एक ही केस लेकर आए हैं, बचाना तो श्रेया को ही है, तो आप दोनों जो लड़ रहे हैं इसकी कोई वजह? कोई वजह नहीं, बेवजह। हाँ बेवजह है। एक मिनट जिलमिल, क्या कह रहे थे आप? सर संभालना दबे। क्या हुआ लगी? स्टूपिड क्वेश्चन। केडी, उस रात किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे फोन करके ये बताया कि स्मगलर डगड़ू मोरे आने वाला है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे मधुकर की लाश मिली और उसकी बीवी हाथ में कन लिए हुए। लेकिन मधुकर का कत्ल उस गन की गोली से तो नहीं हुआ ना? हाँ केडी, यही तो हैरत की बात है कि गन पूरी तरह से भरी हुई थी, उसमें से एक भी गोली नहीं चली और ना ही उसका कोई रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब उस गन पर श्रेया की उंगलियों के निशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कत्ल के औजार पर उसी की उंगलियों के निशान है। उस दरवाजे का लोहे का हैंडल से 3 बार मधुकर के सर पे मारा गया, जिससे उसकी जान गई। जब रिवॉल्वर हो तो कोई किसी का कत्ल डोर के हैंडल से क्यों करेगा, और फिर रिवॉल्वर यहीं छोड़कर क्यों भागेगा? ये क्या है केडी? किसी लेडी सैंडल का टूटा हुआ हील है। ये मेरी है। तुम्हारा है? तुम कब से लेडी सैंडल पहनने लगे? मेरा मतलब है सबूत मेरा है। समझ गया यार, इट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। उस कन की तरह हील भी श्रेया की होगी। कैंडल देख रहे हो तुम्हें? हाँ। ये इस तरह टेढ़ी क्यों है? इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, कई सालों से मिस्टर मधुकर वैद्य दोहरी जिंदगी जी रहे थे अपनी दो अलग अलग पत्नियों के साथ, लेकिन उस दिन सिग्मा पॉलीक्लिनिक में उनका भांडा फूट गया जब इत्तेफाक से उनकी दोनों पत्नियां मिसेस श्रेया वैद्य और मिसेस सुगंधा वैद्य एक दूसरे से मिली। मिसेस श्रेया वैद्य, जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा शौक लगा होगा। जी, और इसीलिए मैं उस रात मधुकर से मिलने उसकी बोट पर गई थी। कितने बजे? जी, करीब 10:30 बजे। लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा
मिसेस वैती, आप अपने पति से मिलने ये गन लेकर क्यों गई? नहीं नहीं, ये गन मेरी नहीं है, ये मुझे वहां केबिन में पड़ी मिली थी, मैंने तो गलती से उठा ली थी। और ये जिससे आपके पति का खून हुआ, क्या इस पर आपके उंगलियों के निशान, ये भी एक गलती? बिल्कुल ठीक कहा आपने, गलती सही है, मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, इस डोर हैंडल से कातिल ने मिस्टर वैसी का कत्ल करने के बाद बड़ी चालाकी से इसे फिर से उस दरवाजे पर फिट कर दिया, और ये मुमकिन नहीं था कि मिसेस श्रेया वैसी उस हैंडल को पकड़े बिना वो दरवाजा खोल, इसीलिए इनकी उंगलियों के निशान उस हैंडल पर है। एंड प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये जो गन जिसका जिक्र आप कर रही थी, ये वहां लावारिस पड़ी थी, ये मिसेस श्रेया वैती की नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर दवे ने ये गन मिसेस श्रेया वैती के हाथों में ही देखी थी। जी हाँ योर ऑनर, अगर मैं उस वक्त उस बोट के कैबिन में नहीं पहुंचता तो ये कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गई थी। इंस्पेक्टर दवे, आप वहां नीचे कैसे पहुंच गए बोट के कैबिन में? आप तो बोट के ऊपर दगड़ू को ढूंढ रहे थे ना? मैंने श्रेया की चीख सुनी। ओह इसी, तो इंस्पेक्टर दवे, कितने कातिलों को आप जानते हैं जो कत्ल करने के बाद में चीखते हैं ताकि पुलिस का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो? हो सकता है वो जानबूझ के चीखी हो ताकि अदालत में आप इसी बिना पे उसे बेगुनाह साबित कर सके। स्मार्ट थिंकिंग, वकील की तरह सोच हो गई आपकी। खैर, अगला सवाल। फोरेंसिक्स के मुताबिक मिस्टर मधुकर वैथी की मौत शाम के 8:30 बजे हुई। कितने बजे गिरफ्तार किया आपने मिसेस श्रेया वैथी को? 7:30 बजे। इंस्पेक्टर दवे, कितने कातिलों को आप जानते हैं जो कत्ल करने के बाद में 2 घंटा वहां मौका है वारदात पर इंतजार करते हैं ताकि पुलिस आए और उन्हें अरेस्ट करे? हाउ मेनी डू यू नो? अपने लॉजिक से तुम हकीकत को नहीं बदल सकते केडी। योर ऑनर, मिसेस श्रेया वैथी के पास अपने पति को मारने की एक और वजह थी। वैथी फिशरीज के मैनेजर मिस्टर श्रीकांत सूर, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगी। योर ऑनर, यही है वो टूटा हील जो पुलिस को उस बोट पर मिली। मिस्टर श्रीकांत सूर, क्या मिसेस श्रेया वैदी के पास ऐसे ही हील्स के सैंडल्स हैं? जी, और इनसे मैचिंग 2 साड़ियां भी हैं, एक शिफॉन की, दूसरी सिल्क की। कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका। वैसे मिस्टर सूरती, क्या मिसेस वैती के जूतों और कपड़ों पर ही नजर है आपकी या फिर उन पर? आप उनसे प्यार करते हैं, है ना? जी जी हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। और मुझे बहुत गुस्सा था कि उसने मधुकर वैती जैसे जानवर से शादी की। बहुत जुल्म करता था इसके ऊपर, वो बहुत मारता था। ये आपसे किसने कहा? आई एम क्वाइट श्योर मिस्टर वैती ने तो नहीं। खुद श्रेया ने। और मैं काफी क्लोज आ गए थे। मैंने कई बार इसे कहा कि मधुकर को छोड़ के मुझसे शादी कर ले। मिस्टर श्रीकांत सूरती, श्रेया ऐसा कैसे कर सकती थी? क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मिस्टर वैती का इतना बड़ा फिशिंग बिजनेस उसके हाथ से छूट जाता। इसीलिए श्रेया ने मिस्टर वैती का खून किया ताकि उनका बिजनेस और बिजनेस मैनेजर यानी कि आप दोनों उसके हो जाए। सो यू सी अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। हाँ, ऐसे जालिम से छुटकारा पाना हैप्पी एंडिंग ही है। अच्छा वो मर गए। ऑर्डर ऑर्डर। इफ यू डोंट माइंड, मिस्टर श्रीकांत सूरती, उस शाम को मिस्टर मधुकर वैथी के कहने पर आप बाजार गए मोमबत्तियां लेने, राइट? तो मोमबत्तियां लेकर आप कब लौटे? कितने बजे? व्हाट टाइम? करीब शाम के 6 बजे। 6 o'clock। बॉस नीचे के कैबिन में कुछ अकाउंट्स का काम कर रहे थे और पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मधुकर वैथी से बात कर रहे? तू पहचानता है क्या? श्रेया मेरा बीवी है, मैं उसके साथ कुछ भी करेगा। तू बीच में बोलने वाला कौन है? जास्ती बोलेगा तो कहां डरेगा? तू इधर क्या खड़ा है? मोहब्बत दिला और जा यहां से।
अच्छा तो वो मोमबत्ती आपने जलाई थी। लेकिन इसे इस तरह टेढ़ी क्यों जलाई आपने? मैंने तो सीधी जलाई थी। तो फिर ये टेढ़ी कैसे होगी? और अजीब बात है कि टेढ़ी जली लेकिन चारों तरफ से सामान जली है। जी मैं कुछ समझा नहीं। ऑफ कोर्स मैं समझाता हूँ। योर ऑनर अगर आपकी इजाजत हो तो। योर ऑनर कैंडल को जब हम सीधा जलाते हैं तो वो चारों तरफ से एक समान रूप में मेल्ट होती है, लेकिन जब कैंडल को टेढ़ा कर दो तो वो कुछ इस तरह से मेल्ट होती है। योर ऑनर इस कैंडल को देखिए, ये टेढ़ी जली है लेकिन चारों तरफ से समान रूप से गली है। कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे आप कि इस मोमबत्ती का इस केस से क्या ताल्लुक? इस मोमबत्ती का इसके से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज केस पर ध्यान दो। केडी मोमबत्ती को साइड पर रहने दो। यस सर। सॉरी मिस्टर सूरती, ये गन आपकी है? नहीं, होती भी तो आप मानते नहीं। एनीवे हाँ, आप उस दिन रात को 8:30 बजे कहाँ थे? मिस्टर सूरती उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे योर ऑनर। अपने दोस्त को ब्लड डोनेट कर रहे थे। ये रहा उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड। मिस्टर सूरती, उम्मीद करता हूँ कि आपके दोस्त की तबीयत अब बेहतर होगी। ये बताइए कि ये मोमबत्ती नहीं योर ऑनर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इस मोमबत्ती पर एक ही इंसान के उंगलियों के निशान है। Come on, kid, it's very obvious कि मिस्टर सूरती के ही है, क्योंकि मोमबत्ती उन्होंने ही जलाई थी। आप बिल्कुल गलत हैं, प्रोसिक्यूटर साहबा। योर ऑनर, इस मोमबत्ती पर ना तो मिस्टर सूरती के, ना ही मिसेस श्रेया वैथी के और ना ही मिस्टर वैथी के उंगलियों के निशान है। तो फिर किसका निशान है? योर ऑनर, इस मोमबत्ती पर मिस्टर सम्राट दत्ता के बगल में बैठी हुई मिसेस सुगंधा वैथी के हैं। मिसेस सुगंधा वैथी, माफी चाहता हूँ कि आपके पैर में चोट आई और मैं आपकी मदद नहीं कर सका, अदालत में होना इसलिए। वैसे कैसे चोट आ गई आपको? जी वो कल सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा पाँव मुड़ गया था। राइट, ये सीढ़ियाँ आपके घर की थी या मिस्टर वैथी के बोर्ड की वो सीढ़ियाँ थी जो नीचे कैबिन की तरफ जाती है, कौन सी सीढ़ियाँ थी? क्या हुआ, आप एकदम चुपचाप सी, आपकी नजरें झुक गई? मिसेस वैथी, इस मोमबत्ती पर आपकी उंगलियों के निशान पाए जाना इस बात का साफ संकेत है कि आप उस शाम को बोर्ड पर थी। लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही मिसेस वैथी, वो ये है कि ये आपके सैंडल के इस हील के टूटने से आपके लेफ्ट पैर में मोच आई या आपके पैर के मुड़ने से सैंडल की ये हील टूटी और फिर आपके माथे पर इस जख्म का होना इस बात का संकेत है कि शायद आपका माथा बोट के उस लोहे के पाइप से टकराया हो, जिसका अर्थ ये निकलता है कि आप उस शाम को बोट पर थी। आप थी ना बोट पर सुगंधा जी? जी जी, मैं बोट पर गई थी, उसी बोट पर, तकरीबन रात को 9 बजे। मैं वहाँ मधुकर से अपने सवालों के जवाब मांगने गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची
मधुकर? एक मिनट, मिसेस वैदी, आपने मिस्टर वैदी का चेहरा देखा? हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार तो वो उल्टा पड़े हुए थे, मुंह के बल औंधे। जी नहीं, जब मैंने उसे देखा तो पीठ दीवार पे लगाए हुए बैठा था। हाउ स्ट्रेंज, 9 बजे मिस्टर वैथी दीवार पर पीठ टिकाए बैठे हुए थे और 10:30 बजे जमीन पर लेटे हुए थे। योर ऑनर, अगर मिसेस वैथी की बात को सच मान लिया जाए तो किसी ने 9 और 10:30 के बीच मिस्टर वैथी की लाश को हिलाया, यानी कि कोई और था जो उस बोट पर था। मिसेस सुगंधा वैथी, आई एम श्योर ये गन ये आपकी तो नहीं? जी नहीं, ये मेरी नहीं है। As I thought, आपने सोचा कि अगर मिस्टर मधुकर वैथी के कत्ल के इल्जाम के जुर्म में श्रेया वैथी को कोई सजा हो जाती है तो उनके पूरे करोड़ों के फिशिंग बिजनेस की मालकिन आप होंगी? Did you think of? Anyway, ये बताइए कि 9 बजे आप बोट पर पहुंची, 8:30 बजे आप कहां थी? क्यों सफर के ट्रैफिक में फंसी थी रॉन? मेगा कैब प्राइवेट टैक्सी MH03429 में ये रहा उसका बुकिंग रिसीट। I'm sorry KD, लेकिन मिसेस सुगंधा वैद्य उस वक्त वहां नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारा कोई भी सस्पेक्ट कत्ल के वक्त उस बोट में नहीं था। अरे ये सब क्या, कौन है ये आदमी? योर ऑनर, ये स्मगलर डकड़ू मोरे है जिसकी तलाश में उस रात बोट पर गया था, लेकिन ये वहां नहीं था। मैं वहां था साहब, वैद्य सेठ को एक बार और रिश्वत देने आया था, लेकिन मेरे से पहले ये मैडम वहां थी। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा था साहब, फिर दोनों नीचे गए बोट के कैबिन में और फिर वहां से ये मैडम अकेली बाहर निकली और भाग गई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। कितने बजे तुमने इन्हें वहां देखा था? यही तकरीबन 8:15-8:30 के करीब। केडी 8:30, यानी कि कत्ल का वक्त। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, डगरू के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि अपने पति मिस्टर वैथी का खून मिसेस वैथी नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, जिस भी आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने मधुकर को नहीं मारा है, झूठ बोल रहे हो तुम। 8:30 बजे तुम कहां थी श्रेया वैथी? मैं तो घर पे थी, मैं अकेली थी और मैं बहुत रो रही थी। प्रूफ दिस, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि सच तो ये है मिसेस वैथी कि अपने पति का खून तुम ही ने किया, उनके बिजनेस के लिए, मिस्टर श्रीकांत सूटी से शादी करने के लिए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल श्रेया वैथी बेगुनाह है। देन प्रूव इट केडी। उस टेढ़ी मोमबत्ती का सहारा ले। केडी, मेरा फुल डाउट उस दूसरी बीवी पर है, मेरी फिल्म में भी ऐसा ही सेम होता है। जलविल, ये मधुकर वैथी का सेलफोन रिकॉर्ड था, मरने से पहले लास्ट कॉल, दवे का नंबर है। इसका मतलब मधुकर ने खुद दवे को फोन किया था डगड़ू को पकड़वाने के लिए। यानी कि डगड़ू ने पहले उसे मारा और अब उसकी बीवी को फंसा कर डबल बदला? नहीं यार, कोई और है। वो एक और शख्स है, उस शाम सूरती के सामने मधुकर जिससे फोन पे बहस कर रहा था, वो शख्स मैं। मैंने ही उस शाम मधुकर को फोन किया और उसी शाम बोट में जाके उसका कत्ल किया। जब श्रेया ने मुझे मधुकर की दूसरी शादी के बारे में बताया, मुझसे रहा नहीं गया, उस फोन के बाद सीधा बोट पे गया और उस दरवाजे के हैंडल से मैंने उसकी जान ली। सम्राट, उस बोट का नाम क्या था? वो तो मुझे याद नहीं। और उस बोट की कैबिन में बिस्तर कितने थे, एक एक या दो? एक। और जिस समय तुम मधुकर वैथी से मिले तो मधुकर
कौन से रंग की टी शर्ट पहना था, लाल या सफेद? सफेद। अच्छा, और वो हैंडल जो लगा हुआ था दरवाजे पे, क्या हाइट थी उसकी? यहाँ तक जैसे तक। सम्राट, वो शाम को मिस्टर वैथी ने टी शर्ट नहीं पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों ये इल्जाम अपने सर पे लेना चाहते हो, श्रेया को बचाने के लिए? हाँ, मैं श्रेया को बचाना चाहता हूँ। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और सच कहूँ तो हाँ, मुझे डर लग रहा है कि खून उसने ही किया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, श्रेया बेकसूर है और मैं ये बात अदालत में साबित कर दूंगा। रिलैक्स, लेट मी डू माय जॉब। गो, रिलैक्स। थैंक यू केडी। हाँ केडी, ट्विस्ट पर ट्विस्ट, लव स्टोरी में ट्विस्ट। लेकिन यार जलमिल, कुछ भी बोलो, वो टीडी कैंडल जो है अभी भी मुझे बॉदर कर रही है। मधुकर वैथी का कत्ल 1 जून को हुआ था, यानी कि कल एक पूरा लूनर साइकिल खत्म होगा। कौन सी साइकिल? लूनर साइकिल यार, चंद्रमा एक पूरा साइकिल खत्म करेगा, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। इंटरेस्टिंग। केडी, मैंने सोचा था तू मेरे लिए कोई जिंदा प्रोड्यूसर लेके आएगा, ये लेके आया, ना जिंदा ना प्रोड्यूसर। अच्छा है ना, चुपचाप बैठकर तेरी कहानी सुनेगा। पक लेके आया। चल सुना कहानी शुरू से। क्या कर रहे? क्या कर रहे? रुक ना, 6 बजे जिस समय सूरती ने जलाया था। शुरू कर कहानी, कहानी सुना देता हूँ। सुन भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू मेरी कहानी समझ जाएगा। कहानी में ट्विस्ट ऐसा होता है कि जब दूसरी बीवी को पता चलता है। 6 बज गए, कैंडल जला ले। ओह हाँ, सॉरी, लाइट। फिर तीसरी बीवी का आगमन। जैसी तीसरी बीवी कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि पहली पति का दूसरा पति उसके बिस्तर पे नजर। आगे उसके अंधेरा छा जाता है तो अचानक केडी, केडी, देखा हिला, मेरी कहानी का असर देखा? यानी कि मेरी कहानी असर कर रही है। सर नहीं हिले तो बोट हिला। कैसे? लो टाइट ना, 8:30 बज गए। देख, ओ बोट झुक गई एक तरफ। अरे यार, ये पलटेगी तो नहीं? सुन, देख, कैंडल भी बुझने वाला, इसका मतलब खूनी आया था तो कैबिन में पूरी तरह अंधेरा था। तो दूसरी कैंडल जलाऊं क्या? नहीं, 9 बजे का इंतजार करते हैं। ए जलमिल, 9 बज गए, सुगंधा 9 बजे आई थी, जला ले कैंडल। जलाता हूं। कहानी कहां तक पहुंची थी? मेरी कहानी तो यार अभी इंटरवल भी हुआ। हाँ,
सुना बहुत 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 समय हमारे पास सुना तो फिर दूसरी बीवी पहली बीवी के तीसरे पति के पास जाती है उसके सामने गिड़गिड़ाती है आंसू बहाती है और कहती है राज मेरे पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा है मेरी बात पे विश्वास करो इसे तेरी कहानी समझ में आई या नहीं पता नहीं बट इसकी कहानी में समझ गया कल अदालत में समझाऊंगा तो ये क्या तुमने कहा एक पूरी रात उस बोट में रहकर बस दो मोमबत्तियां जलाई दो और इससे प्रूफ क्या होता है केडी बस यही कि एक मोमबत्ती को जलने में 2.5 घंटे लगते हैं करेक्ट योर ऑनर अब ये टेढ़ी कैंडल ही इस खून की कहानी को सीक्वेंस वाइज हमें बताएगी योर ऑनर समंदर में जवार भाटा यानी कि हाई टाइड और लो टाइड चांद और पृथ्वी के पोजिशन पर निर्भर करता है हाई टाइड और लो टाइड का साइकिल चांद के बढ़ने या घटने के कारण होता है इसका साइकिल पूरे 28 दिनों का होता है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा और अमावस की रात को टाइड सबसे ऊंचा होता है आसान लफ्जों में योर ऑनर अगर किसी महीने की पहली तारीख पर हाई टाइड या फिर लो टाइड 9 बजे आया हो तो ठीक 28 दिन बाद हाई टाइड या लो टाइड 9 बजे ही आएगा मेरे इस रिसर्च को आधार बनाकर मैं जलपरी बोर्ड पर इन्वेस्टिगेशन करने गया और मैंने वहां क्या पाया योर ऑनर सबसे पहले शाम के 6 बजे सूरती वहां आया और उसने ये कैंडल जलाई सीधी क्योंकि तब बोट हाई टाइड में थी यानी कि सीधी उसके 2.5 घंटे बाद खूनी वहां आया हाथों में ग्लव्स पहनकर मधुकर का कत्ल करता लेकिन तब तक योर ऑनर कैंडल पूरी तरह से बुझ चुकी थी जल चुकी थी कैबिन में अंधेरा था इसीलिए वो मधुकर पर गोली नहीं चला पाया मधुकर को उसकी आहट आई दोनों के बीच में हाथापाई हुई जिसके बीच खूनी के हाथों से गन छूट गई योर ऑनर इसी से घबरा कर उसने दरवाजे के टूटे हुए हैंडल से मधुकर पर वार किया जिसके कारण मिस्टर मधुकर वैथी की जान गई फिर उसने मधुकर वैथी की बॉडी को दीवार पर इस तरह टिकाई और वहां से भाग गया लेकिन भागने से पहले उसने बड़ी चालाकी से डोर के हैंडल को फिर से डोर पर फिट कर दिया यह जानते हुए कि कोई वहां आएगा और उसकी उंगलियों के निशान डोर हैंडल पर आ जाएंगे यानी कि मर्डर वेपन पर जैसे कि हुआ शुरू होती है लो टाइड ये बोट किनारे पर थी इसीलिए देखिए लो टाइड के होने से किस तरह एक तरफ टिल्ट हो गई है धस गई है सैंड में उसके बाद योर ऑनर 9 बजे मिसेस सुगंधा वैथी उस बोट पर आई बोट के कैबिन में अंधेरा देखकर उन्होंने एक नई कैंडल जलाई लेकिन जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर उस समय लो टाइड थी पर बोट अपनी पोजीशन से 20 डिग्री टिल्टेड थी यानी कि टेढ़ी सुगंधा जी ने कैंडल तो सीधी लगाई जो बोट के सीधी होने पर फिर टेढ़ी हो गई दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द टिल्टेड कैंडल योर ऑनर इससे क्या साबित होता है केडी कैबिन में रोशनी होते ही मिसेस सुगंधा वैथी की नजर अपने हस्बैंड की लाश पर पड़ी जो पीठ के बल दीवार पर टिकी हुई थी वो डर कर वहां से भाग गई एंड फाइनली योर ऑनर रात के 10:30 बजे जब हाई टाइड हुई तो बोट के सीधी होने के कारण मिस्टर मधुकर वैथी की लाश पलटकर मुंह के बल जमीन पर गिर गई उसी समय मिसेस श्रेया वैथी वहां आई उन्होंने खूनी की गन नीचे पड़ी हुई देखी घबरा कर गन उठाई उसी समय इंस्पेक्टर दवे वहां आए और उन्हें लगा कि मिसेस श्रेया वैथी ने यह कत्ल किया है योर ऑनर इन सारी बातों से एक सच सामने आया है कि सारे गवाह मिस्टर सूरती मिसेस श्रेया वैथी एंड मिसेस सुगंधा वैथी बिल्कुल सच बोल रहे केडी पर मिस्टर वैथी का खून किसने किया योर ऑनर मधुकर वैथी का कातिल मिस्टर सम्राट दत्ता है
मिस्टर सम्राट दत्ता अदालत जानना चाहेगी कि जब आप उस दिन मेरे ऑफिस में आए तो आपने मुझसे कहा कि मिस्टर मधुकर वैथी की हत्या आप ही ने की है, क्या ये सही है या नहीं? वो तो मैंने श्रेया को बचाने के लिए झूठ बोला था और आपने अपने सवालों से मेरा झूठ भी तो पकड़ा था केडी। करेक्ट। तो इस बार अदालत के लिए उन्हीं सवालों को दोहराते हैं। बोट का नाम क्या था? मुझे याद नहीं। जलपरी। जलपरी के कैबिन में कितने बिस्तर है, एक या दो? एक। दो। उस दिन जब तुम मिस्टर वैथी से मिले, मिस्टर वैथी किस रंग की टी शर्ट पहने हुए थे, लाल या सफेद? सफेद। क्या बात है, 0 out of 3। अब वो आखिरी सवाल, डोर का वो हैंडल, उस डोर पर कितनी ऊंचाई यानी किस हाइट पर लगा हुआ था? यहाँ तक, मेरे छाती तक। छाती तक। मिस्टर दत्ता, उस दिन जब आप गए मेरे ऑफिस से तो इसी सवाल के आपके इसी जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कौन सा आपका देखा या अनदेखा दरवाजा है जिस पर आपने डोर हैंडल इस हाइट पर देखा हो। तब मुझे एहसास हुआ कि आप झूठ बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गए। दरअसल आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप उस बोट पर गए ही नहीं थे, जबकि आप उस बोट पर गए थे या नहीं? ये कोई ठोस सबूत नहीं है। और ठोस सबूत ना हो लेकिन शक की वजह जरूर है योर ऑनर। और फिर उस बोट पर एक शाम गुजारने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर उजाले में इतने लोगों के माथे उस लटकते हुए लोहे के पाइप से टकराए तो रात के अंधेरे में कातिल का माथा भी उस लोहे के पाइप से जरूर टकराया। सर और से देखो केडी, सम्राट के माथे पर कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, निशान भले नहीं लेकिन मिस्टर सम्राट के माथे पर पसीना आ रहा है। क्यों मिस्टर सम्राट? वो गर्मी की वजह से। आई अंडरस्टैंड, कई लोगों को एसी में भी गर्मी लगती है। ये लीजिए, माथा पोंछ लीजिए। जी थैंक यू। हाँ, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू मिस्टर सम्राट दत्ता। योर ऑनर, कहते हैं कि किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि वो कातिल है। मैं आज अदालत में इस बात को झुठलाने वाला हूं। ये देखिए, मेकअप फाउंडेशन। ऑर्डर ऑर्डर। और वो देखिए, चोट का निशान। कमाल है, मेरी चोट है, मेरी मर्जी, मैं उसे छुपाऊं या दिखाऊं? और वैसे भी मुझे घर पे लगी है, ना कि उस बोट के टूटे हुए पाइप से। क्या कहा आपने मिस्टर सम्राट दत्ता? टूटा हुआ पाइप? मिस्टर सम्राट दत्ता, मैंने अदालत में जब भी उस पाइप का जिक्र किया, लोहे का पाइप कहा। इतने लोगों के माथे उस लटकते हुए लोहे के पाइप से टकराए, आपको कैसे पता कि वो लोहे का पाइप टूटा हुआ था? मैं बताता हूं मिस्टर सम्राट दत्ता, आपको इसीलिए पता क्योंकि उसी पाइप से आपको चोट लगी थी, क्योंकि आप उस बोट पर थे और मिस्टर वैथी का कत्ल आप ही ने किया है। पूरी तरह से फंस चुके हैं, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर सम्राट दत्ता। प्लीज एडमिट इट कि कत्ल आप ही ने किया है। और शुड आई प्रूव इट सम मोर? हां, मैंने ही मारा मधुकर वैथी को। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। 14 साल से मैंने इससे प्यार किया लेकिन इसने मेरे प्यार की कदर नहीं की। मधुकर ने इससे शादी कर ली इसलिए मैंने उसको मारने का फैसला किया, इसलिए उस रात मैं बोट पर गया और उसको मैंने मार डाला। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर दत्ता, आपने तो अपने प्यार को फंसा ही दिया। अरे कैसा प्यार, वो तो इस सूटी से प्यार करती थी और इसने भी मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने एक तीर से 2 निशाने बनाए, एक को मारकर और दूसरे को फंसाकर। अंग्रेजी में एक कहावत है मिस्टर दत्ता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब उस टाइड की वजह से आपको एक लंबा टाइम जेल में गुजारना पड़ेगा। कंग्रेचुलेशंस। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। मधुकर वैती मर्डर केस में यह अदालत मिस्टर सम्राट दत्ता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिसेस श्रेया वैती को इस कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है।
द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच केडी। कंग्रेचुलेशंस मिसेस वैथी। आपको मिसेस वैथी तो कह नहीं सकता। हाँ श्रीकांत, अब क्या इरादा है? शादी? जी, इरादा तो यही है, अगर श्रेया हाँ कहे तो। अरे हाँ कहेगी ना, क्यों नहीं कहेगी। हाँ लेकिन जरा चेक कर लेना श्रेया, कहीं इसकी दो बीवियां तो नहीं? नहीं तो फिर से, वैसे भी आजकल के जमाने में एक बीवी तो संभलती नहीं, दो दो तो। एम आई राइट? एम आई राइट? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.